हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राजपूत और आज मैं जिस मशीन के बारे में बात करने वाला हूँ वो मशीन महाराष्ट्र के हर रोड के साइड के कॉर्नर में मिलेगी। इसका बिजनेस मॉडल इतना प्रॉफिटेबल है कि इससे हजारों लोगों के घर चलते हैं और उनके बच्चों का एजुकेशन भी इसी खर्चे से निकलता है। ये मशीन जो आप देख रहे हो वो है गन्ने का जूस निकालने की मशीन। गर्मी में ये बिजनेस बहुत चलता है और ऑफ सीजन में भी इसका मार्केट अच्छा खासा होता है। पहले हम देखेंगे कि इससे जूस कैसे निकलता है और फिर देखेंगे कि इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे रहेगा और इसे रॉ मटेरियल क्या लगता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए रेगुलर अपडेट्स के लिए। इसमें आप देख सकते हो कि आंटी को एक गन्ने के दो टुकड़े करने पड़ते हैं और उसे क्रशर में डालना होता है। अंकल जी उसी वक्त वो क्रशर का जो हैंडल है उसे घुमाते रहते हैं। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार करने से एक गन्ने का पूरा जूस निकलता है। ये मशीन टोटली मैनुअल है और लकड़े से बनी मशीन को ना कोई पेट्रोल लगता है, ना कोई ऑयल लगता है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी लगती है। लगती है सिर्फ मैन पावर के दम पर आप इससे 5 गुना प्रॉफिट कमा सकते हो। आप इसे एक्चुअल में पसीने की कमाई बोल सकते हो। ये गन्ने का रॉ मटेरियल आपको मार्केट में होलसेलर रेट में मिल जाता है, जो कि अराउंड 550 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से आपको मिलता है। सो पर क्विंटल में अराउंड 72 गन्ने आते हैं, मतलब 100 की जिसमें आपके 72 गन्ने आ जाते हैं। 550 डिवाइडेड बाय 72 इक्वल्स टू 7.6 रुपीज पर गन्ना आपको कॉस्टिंग पड़ जाता है। अगर आप उसी गन्ने का जूस निकालते हो आपके वो मशीन से, तो एक गन्ने में अराउंड 4 ग्लास निकलते हैं, मतलब आप 4 ग्लास एक गन्ने से भर सकते हो। 7.6 रुपीज में हम लोग उसमें आइस ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे, तो आपका कॉस्टिंग अराउंड 8 रुपीज पर 4 ग्लास बैठ जाता है, मतलब 2 रुपीज पर ग्लास आपको कॉस्टिंग पड़ जाता है। तो 2 रुपीज का आपका सिर्फ जूस हो गया वो ग्लास में भरने का। वो 2 रुपीज का ग्लास आप मार्केट में 10 रुपीज के ग्लास से बेचते हो। इन शॉर्ट आपका 8 रुपीज प्रॉफिट पर ग्लास के पीछे निकल जाता है। आप समर सीजन में ये मशीन लगाते हो तो आपके अराउंड 200 से 300 कस्टमर्स आराम से आ जाते हैं आपके काउंटर पर। तो अगर आप कोई क्राउडेड जगह में लगा देते हो, कोई मार्केट हो जहाँ वो बहुत सारा क्राउड आता है, तो अगर आप वो मशीन लगा देते हो तो आपके 300 कस्टमर्स आराम से आ जाते हैं। तो 1600 अराउंड 2400 रुपीज़ आप आराम से कमा लेते हो दिन के। अभी आपको कैलकुलेशन आ गया कि इसमें कैसे प्रॉफिट होता है, कितने का रॉ मटेरियल होता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आपके पास पैसा कम है और आपको कुछ बड़ा करना है और आप में मेहनत करने की ताकत है, तो आप ये बिज़नेस मॉडल आप अपना सकते हो। ये बिजनेस मॉडल आपके शहर में लगा सकते हो। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे घर, हजारों घर इसमें चल रहे, तो आपका भी घर आप चला सकते हो। अगर यह बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लगा और ये थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होगा और ये थोड़ी भी हेल्प कर रहा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।